अगर आपको हवाओं से बात करनी है 6 सेकंड में तो ये आपके लिए वो गाड़ी ऑडी Q5 सेगमेंट की फास्टेस्ट गाड़ी है। X5 GLC ये सब को पिछाड़ देने वाली गाड़ी, ये सब गाड़ियाँ 6 सेकंड में 100 नहीं जाती, जो कि है ऑडी की Q5 तो 6 सेकंड में 100 चली जाती है। इसका इंजन आप देख सकते हो इनलाइन 4 है, 260 BHP और 370 न्यूटन ऑफ टॉर्क है। और ये जो गाड़ी है भाई बवाल चीज़ है, ये 6 सेकंड में 100 जाती है। और आपको क्या चाहिए, एवरेज है 13 का। और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिया हुआ है, रोल केज दिया हुआ, स्टेबिलिटी के लिए सारी चीज़ें दी हुई है। प्रॉपर परफॉर्मेंस कार है, प्लस ऑफ रोडिंग का बादशाह, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो क्या है, क्वाट्रो सिस्टम जो कि मून में यूज़ होता है। ये है प्राइस रेंज में आती है 78 लाख से लेके 81 लाख एक्स शोरूम में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। इसमें हाइड्रोलिक्स दिए ही हुए हैं, इसकी बैटरी पीछे आती है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा इंजन कंपोनेंट दिया हुआ है और काफ़ी स्पेशियस है। और इसका इंजन आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली इसको फिट किया गया है। और क्वालिटी आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ये प्लास्टिक, ऐसा नहीं लग रहा कि एकदम लो क्वालिटी का प्लास्टिक है। ये ओपन करने का सिस्टम देखे कितना, मतलब एकदम लग्जरी वाला, ओपन करने के लिए भी आप देख रहे हैं सिर्फ ऐसे करना है। तो ये चीज़ इसके सेगमेंट में जो 70 to 80 लाख का जो सेगमेंट आता है, एक्चुअल में है 78 लाख की, बट जो प्राइस रेंज आता है इस प्राइस रेंज पे ये सारी चीज़ें आपको कोई और गाड़ी में नहीं मिलेगी। DRLs आ गए इसके, ये आपका मोशन वाला एंगल, जैसे आप गाड़ी राइट मोड़ेंगे इसका ऑटोमेटिकली हेडलाइट एडजस्ट कर लेगा कि हाँ राइट मोड़ लिया गाड़ी, तो राइट साइड में आपको इसका बीम मिलेगा। प्लस फॉग लाइट जो कि प्रोजेक्टर है इसमें आपको इराज नहीं है, ये चीज़ है। प्लस आपको 19 इंच के अलॉय मिल जाएंगे जो कि अब 235/55R 19 मतलब कितने इंच के फोल्डेबल मिरर्स है। और ये आपको इंटीरियर ब्राउन पेज में आता है, इंटीरियर ब्लैक एंड ब्राउन, फ्रेमलेस मिरर भी है साथ में, क्वाट्रो की यहाँ बैजिंग है। और इसकी बूट स्पेस है 520 liters। इसमें आपको मोशन वाला भी मिल जाता है, मोशन से आपको खोल सकते हो जो कि काफ़ी प्रीमियम है। स्टेपनी है कि नहीं, क्या लगता है होगी स्टेपनी के लिए? अबे 16-18 इंच की स्टेपनी है जो कि अलॉय व्हील नहीं है। और इसकी बैटरी पीछे आती है, इसकी बैटरी पीछे आती है, प्लस इसमें मोशन सही, बंद करने का मोशन सही दिया हुआ है। देख सकते हैं कैमरा के लिए भी वॉशर अलग से दिया हुआ है। और रात में जब आप डिक्की खोलेंगे तो यहाँ पे ये लाइट जलती है, अभी लाइट ऑन है तो अभी नहीं शो कर रहा है, बट यहाँ पे लाइट जलती है जो कि सेगमेंट पे इकलौती इसी में। रियर वाइपर दिया हुआ है, 70 लीटर का टैंक है, पेट्रोल है तो कोई टेंशन ही नहीं है, चलाओ। पीछे आप देख सकते हो कि स्पेस देख ही सकते हो। और ये सीट को भी आप रिक्लाइन कर सकते हो, यहाँ पे नॉर्मल लीवर दे दिया, उसको आप आराम से रिक्लाइन कर सकते हो। और फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा ये है कि काफ़ी अच्छा एयर रूम है, प्लस कंफर्टेबल काफ़ी सही है, कंफर्टेबल लंबर सपोर्ट मेरी हाइट 5'3" है तो मेरे लिए तो भाई बहुत बढ़िया सीट आगे, मतलब मेरे ड्राइविंग पोस्चर में तो नहीं है, बट हाँ ये कोई 6 फीट का आदमी चला रहा है तो उस हिसाब से भी सीट काफ़ी पीछे है। और जो स्पेस है पीछे कैबिन का स्पेस है काफ़ी एयरी है। यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया हुआ है, कप होल्ड आर्मरेस्ट दिया हुआ है जिसमें 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं, इजी टू यूज़। 12 वोल्ट का चार्जर, 3-zone क्लाइमेट कंट्रोल आता है गाड़ी में, फुल मून रूफ है प्लस पैनारोमिक सनरूफ। आपको टच सेंसिटिव, ये देखो ये मैंने टच किया, ये टच सेंसिटिव लाइट रीडिंग लाइट्स दिया हुआ है, बस इसको ऐसे स्लाइड करो, अरे बहुत ईजी।
आपको सन ब्लाइंडर दे दिए। अब चलते हैं आगे, डोर पॉकेट पीछे आराम से 1 लीटर का 2 लीटर की बॉटल आ जाएगी, इतना स्पेस है गाड़ी में। सॉफ्ट डोर है कि नहीं है, क्या लगता है होगी कि नहीं होगी? नहीं, सॉफ्ट डोर नहीं, कोई बात नहीं। और ये है इसका इंटीरियर, सामने से डैशबोर्ड आप देख सकते हो, डिजिटल है। 10 इंच ये है, 8 इंच का स्क्रीन, ये 10.1 इंच का स्क्रीन जो कि स्टैंडर्ड कर दिया ऑडी ने। पुश स्टार्ट बटन है इधर, लेकिन अभी गाड़ी अंदर है तो मैं ऑन नहीं कर रहा हूँ। भाई बहुत स्पेस है, यहाँ पे आपको कप होल्डर्स दे दिए हैं, एस्ट्रे ऑडी का जो कि हमेशा प्रीमियम रहता है। छोटा एस्ट्रे, पहले बहुत बड़ा, पहले इतना बड़ा एस्ट्रे आता था। उसके बाद गियर नॉब, भाई सो प्रीमियम भाई। ये जैसे इसमें यहाँ पे बटन दिया हुआ है, ये पी, मान लीजिए आपकी गाड़ी ऐसे ड्राइव मोड पे और आप पी दबाओगे तो नॉर्मल ये पार्किंग में आ जाएगी, आपको आगे पीछे करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए वॉल्यूम, म्यूजिक, बैक फॉरवर्ड सब करने का चीज़ दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हो डोर का दिखा दिया है, लेफ्ट साइड में RPM है, राइट साइड में स्पीडोमीटर है। इसमें स्क्रीन के इतने सारे टाइप्स है कि भाई आप परेशान हो जाओगे, इतने टाइप्स हैं। FM हो गया, ये टेलीफोन हो गया, ये आपका नेविगेशन हो गया। इसमें भी अलग टाइप के व्यूज है कि बड़ा स्क्रीन चाहिए कि छोटा स्क्रीन चाहिए। प्लस इसमें 7 ड्राइव के सेटअप्स आते हैं कि आपको कितने टाइप के, आपको मतलब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो, कंफर्टेबली आपको चलाना, ऑफ रोडिंग करना है, स्पीड चलाना है, सारी चीज़ें इसमें। सबसे बड़ी ऑडी में मेरे को एक चीज़ क्या लगती है पता है, ये आपको DS दिख रहा है, आप नॉर्मल चला, आपको बटन से ऐसे नहीं करना है कि यहाँ पे बटन से आपको यहाँ पे टच करो कि भाई स्पोर्ट्स मोड में डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स मोड में डालना है, इसको ऐसा पकड़ो, DSG चल रहा है, एक बार ऐसे पीछे खींचो, स्पोर्ट्स मोड और पंजा दबा। इसमें प्लस एक और चीज़ है, ये आप पूरा पंजा दबाएंगे ना, ये एक लॉक है, ये आप देख सकते हैं, ये दबा, ये ऐसे एक लॉक है, ये जो लॉक हो जाता है पेडल, और मतलब गाड़ी का जितना पावर है पूरा एक बार में गाड़ी डालता है। इसमें 8 एयरबैग है, कर्टन्स है, नी में है, मतलब पूरी मतलब गाड़ी सेफ्टी रेटिंग में 5 स्टार है। प्लस आपको मेमोरेबल सीट है जिसमें दो है, दो मेमोरीज आ जाएंगी, 1 और 2 सेट, वहाँ से ऑटोमेटिक है, लंबर सपोर्ट दिया। इसमें हीटिंग सीट्स नहीं है, प्लस मसाजिंग सीट्स नहीं है इसमें। इसमें आप देख सकते हो बहुत बड़ी स्क्रीन है, एवरेज के नाम पे 13 का एवरेज देती है गाड़ी। इनलाइन है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है जिसमें दोनों आप देख सकते हो, बहुत इजी टू यूज़ है। और सबसे बढ़िया मेरे को ये लगता है इसमें, इसमें वो टच वाला सिस्टम नहीं दिया है कि भाई टच करो तो फिर ऐसा वैसा, बीच में फैन का बटन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। और सबसे बढ़िया चीज़ जैसे मैंने अभी बोली कि इसमें टच नहीं है, क्योंकि टच में क्या होता है, ऐसे टच करो कब क्या हो जाए, ये देखो नहीं है, बस ऐसे टच करोगे तो आपको बता देगा क्या क्या इसमें है। ये मैं सेट रियर, देखो ये रियर में सेट हो गया, रियर में इतना टेम्परेचर का, प्लस आ जाओ, ये सीट्स में, सीट में चाहिए कहाँ चाहिए आपको हवा, जहाँ से हवा चाहिए हर जगह से हवा देगी गाड़ी। सेम ये राइट साइड के लिए, प्लस अरे एक और चीज़ है, देखो मैंने ये टच किया ये देखो, इधर टच किया, इसमें टच फील है इसमें कि सेंसर से गेस्चर बोल सकते हो एक काइंड ऑफ। यहाँ पे ड्राइव सिलेक्ट है कि कौन सा ड्राइव चाहिए आपको, ये तुरंत स्क्रीन में आ जाएगा। ये यहाँ पे आपको लेमिनेशन है इसलिए वो दिखा नहीं रहा है। इसमें ड्राइव सिलेक्ट है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि डायरेक्ट दे दिया है कि आपको ड्राइव सिलेक्ट करना है, यहाँ से इकोनॉमिक, कंफर्ट, ऑफ रोडिंग, इंडिविजुअल, डायनेमिक, ऑटो, कंफर्टेबल, ये सारी चीज़ें दे दिया है। और सबसे बढ़िया चीज़ इसमें यही मेरे को लगी कि चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें नॉर्मली इन्होंने डैशबोर्ड में दे दी, ये नहीं कि टच करो ऐसा करो वैसा करो, इतना तामझाम इसमें गाड़ी ने इन लोगों ने छोड़ा ही नहीं, एकदम इजी टू यूज़ है। एम्बियन लाइटिंग इसमें आती कि नहीं आती? अभी आप गाड़ी का साउंड सुन सकते हो, बहुत प्यारा साउंड आ रहा है, थोड़ा सा रेव करते हैं। हाँ हाँ, इसमें अगर आप लोग स्ट्रेट पाइप करवा दोगे ना, RS वाली फीलिंग आएगी पूरी, एक नंबर भाई एक नंबर। तो बस यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। अब रहेंगे रूफ के बाद, ये एक बटन दबाएंगे, सॉरी वन टच में, अब देखते हैं कितना खुलता है।
थोड़ा खुल गया गुरु, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्लस इसमें दो बटन दिए, ये है एक ब्लाइंडर का, सामने ये एक बटन है और ये बटन है रूफ का, पैनोरामिक रूफ है, जो कि बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी, आराम से दो एडल्ट निकल जाएंगे इसमें से। और पीछे जाते क्या, यस ये पूरी रूफ पीछे चले जा रही, ये इतना और जाता है कि चक्कर नहीं, ये इतनी ही पीछे जाएगी। वन टच में थोड़ी सी, थोड़ा सा बचता, जैसे ये देखो मैंने ये हल्का सा दिया, ये इतनी जाएगी, एक और बार टच करूँगा ये इतनी पीछे चलेगी, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और दोनों साथ में काम करते हैं, हाँ यस, आपका रूफ भी बंद हो जाएगा, मून रूफ भी बंद। और सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को इसमें क्या लगी, ये जो कपड़ा रहता है ना, ये कपड़ा मतलब कई गाड़ियों में क्या रहता है कि इसमें से थोड़ा सा लाइट आता है, ये प्रॉपर है कि इतना डार्क है कि इसमें से सनलाइट आएगी ही नहीं। सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को ये लगी इसमें। और क्वालिटी तो भाई बहुत अच्छी, और ये जो फील है, मतलब बच्चे लोग नहीं ऐसे ऐसे करते हैं भाई, बहुत प्रीमियम क्वालिटी है इसमें भाई। 15 स्पीकर है इसमें, जो कि इंक्लूडिंग है इसमें सबवूफर, इंफोटेनमेंट एनएमआई सिस्टम भी बहुत अच्छा है इसका, जिसमें 10 इंच दिया हुआ जैसे मैं आपको। और इसमें ग्लव बॉक्स है, लॉकेबल ग्लव बॉक्स है, जो कि अच्छा बड़ा, अच्छा खासा बड़ा है। बुक भी रखी हुई है इधर कुछ है क्या, और नहीं, ग्लव बॉक्स अच्छा है। यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग आ जाएगी, अभी डे टाइम है तो इसमें आप विजिबल नहीं है। प्लस जो आपका ये है, इसमें मिरर दे दिया है, जो देना ही चाहिए, नहीं देता तो भाई इतने प्राइस रेंज में इसको नहीं देगा तो हो गया। लाइट दी हुई है, ग्रैबिंग हैंड ग्रैब है, दम है। स्टेयरिंग व्हील में फंक्शन दे दिए हैं, जिसमें यहाँ पे व्यू है जो स्क्रीन का है, ये व्यू हो गया, यहाँ पे वो स्क्रीन का ऊपर नीचे जो भी आपको सिस्टम जैसे चेक करना है ये हो गया। इसमें नेविगेशन, अरे हट जा गुरु, जैसे इसमें ये सब दिखा देगा, फ्यूल कंजम्पशन सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाएंगे, कितना चल रही है गाड़ी। यहाँ से आपका MMID का कंट्रोल हो गया, फ़ोन के लिए हो गया कि डायरेक्ट कॉल करना है तो यहाँ पे आ गया कि हाँ भाई किसको कॉल करना है, वॉइस असिस्ट भी दिया हुआ है। ये बटन में आपको एक्स्ट्रा कुछ आपको यहाँ पे देना है कि भाई गाड़ी चला रहे हो, आपको तुरंत नेविगेशन चाहिए, जबकि इसमें नेविगेशन नहीं चल रहा है, तो ये चीज़ आप यहाँ से दबाओगे तो इसमें आ जाएगी। अभी एक्चुअल में सेट नहीं है तो इसमें नहीं आ रहा। बाकी स्टेयरिंग में नीचे से फ्लैट नहीं है, प्रीमियम फील तो काफ़ी, लेदर तो है ही है, कोई लोड ही नहीं है। यहाँ पे लाइट का दे दिया है पूरा, ये तो वॉक्सवैगन थिंग्स है ही, ये पूरा लाइट का इधर दे दिया है। और सामने आपको मिरर में विजिबल है कि नहीं है देखता हूँ, आप देख सकते हैं, आपको हेडलाइट दिखाता हूँ, इसकी हेडलाइट कितनी प्यारी है ये देखो, अभी तो समझ नहीं आ रहा होगा बट ये आप देख सकते हैं कि हेडलाइट इसकी कितनी प्यारी है। ये आपकी DRS दे दिए, ये प्रोजेक्टर, ये फॉग लैंप, सामने भी सेंसर दिए, 360 कैमरा आता है इसमें, ये देखो ब्लैक में तो अलग ही सुंदर लगती है भाई गाड़ी। बस एक चीज़ और है, अगर एलॉय व्हील भी ब्लैक, टोटल ब्लैक होते ना मजा आता, और इसमें एलॉय व्हील अलग आते हैं, इसमें ऑडी स्पोर्ट्स की बैजिंग आती है, इसमें ऑडी स्पोर्ट्स की बैजिंग आती है, ये एक चीज़ है। ये रोल्स रॉयस वाली चीज़ें दे दी हैं कि भाई ये एक गजब चीज़ है, इसमें से मैं खेलते रहूँ, ऐसे बच्चे लोगों के खेलते रहेंगे। मिरर इसके वाइड इनफ है, बहुत बड़े, मेरी मुंडी जितने बड़े इसके मिरर है। इधर कैमरा नहीं दिया है मिरर में, कोई लोड नहीं। इसकी चाबी सिंपल क्यूट सी चाबी है एकदम, कोई बात ही नहीं है। A4 और Q5 की चाबी सेम आती है इसमें, बस ये चीज़ है कि ये ब्लैक है, टोटल ब्लैक है, जिसमें लोगो भी ब्लैक आता है। एडजस्टेबल आपका सीट बेल्ट का भी एडजस्टेबल दिया है, जो बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत सारी गाड़ियों में नहीं देता है। बाकी तो आप उड़ाओ गाड़ी को, मज़ा आएगा। इसमें वायरलेस चार्जिंग दिया, अब मेरा गाड़ी ऑन है नहीं है, गाड़ी ऑन करनी पड़ेगी तभी चार्जिंग कनेक्ट करना। ये देखो वायरलेस चार्जिंग, यहाँ पे सीट टाइप का पोर्ट दिया हुआ है, मेरे को लगा यहाँ पे स्पेस होगा और, बट यहाँ पे स्पेस नहीं है अंदर, बस यहाँ पे आपको चाबी रखने का स्पेस है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, और ये है, और ये चार्जिंग के लिए, वायरलेस चार्जिंग के लिए। चलो एडजस्टेबल ये आगे पीछे हो जाता है, बस ये मैक्सिमम आगे होगा, और अरे गुरु पीछे हो जा, ये देखो, तो ये है। बाकी स्टेयरिंग फ्लैट बॉटम नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया। बाकी इंटीरियर बढ़िया है, फ्रेमलेस है, ऑटो डीमिंग,
सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, और ये जो ऑडी का यहाँ का जो साइड का जो पकड़ के रखता है ना भाई, ये बढ़िया एडजस्टेबल आपके। और हेडलाइट में ये आप देखो, हेडलाइट के अंदर यहाँ पे डिटेल में दे रहे, जैसे BMW में आता है ना वैसा सेम इसमें ऑडी में भी है। इसमें मेरे को दो तीन चीज़ समझ आई, गाड़ी में एडास नहीं दिया है, एडास का इसमें नहीं दिया है। शार्क फिन एंटीना इसमें है लेकिन एडास नहीं दिया है, क्योंकि उसमें सामने वो जो कैमरा आता है एडास का वो नहीं है। फ्रेमलेस सब चीज़ें दी हुई, जो मिरर है फ्रेमलेस है, बट एडास नहीं दिया है इसमें, वही एक चीज़ है। बाकी साइड स्कर्ट्स भी दिए हुए हैं इसमें जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। गाड़ी भाई बहुत बड़ी है, लार्ज है एकदम, मतलब कैम 0.5 में भी नहीं आ रही है गाड़ी। प्लस ये गाड़ी में सारी चीज़ें ब्लैंक है क्योंकि ये डी क्रोम्ड है, क्योंकि ऑडी में यहाँ पे ये क्रोम रहता है तो ये डी क्रोम्ड है इसमें, इसलिए इसको मतलब बोलते हैं ब्लैक एडिशन। इंटीरियर ब्लैक नहीं है, बट हाँ गाड़ी में जो एक्सटीरियर पूरा ब्लैक है, बस अलॉय छोड़ के इसको भी ब्लैक करना चाहिए था। बाकी फील तो आप एक वॉक अराउंड देख सकते हो गाड़ी का कि भाई गाड़ी बहुत बड़ी है, मतलब बहुत प्यारी है। लाइट चालू करना। सामने भी ब्लिंकर्स ही है, डायनेमिक नहीं है लेकिन कोई बात नहीं। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर दो। अगर आप ये गाड़ी को उड़ाते हुए देखना चाहते हो, हवा से बातें करते हुए देखना चाहते हो, तो भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक ठोक दो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई गलत है, दिल से बुरा लगता है, दिल से बुरा। तो ये है ऑडी Q5 ब्लैक एडिशन का रिव्यू। आपको अगर कोई भी चीज़ क्वेरी हो जो मेरे से मिस आउट हो गई हो, या कुछ भी मैं मिस कर गया हो, या आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।